नमस्कार, मैं पंकज सिंह और आप देख रहे हैं बोराई न्यूज। आज हाफलोंग टाउन रजी हॉल में भारतीय जनता पार्टी का मास ज्वाइनिंग प्रोग्राम हुआ। ये प्रोग्राम में एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर नोजित केम्पराय मौजूद थे और उनके साथ एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर नेपोलाल हुजाए, एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल के एग्जीक्यूटिव मेंबर गोलोंजो थाउसेन, एनसीसी ऑटोनॉमस काउंसिल के एमएससी और अन्य बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे। और ये प्रोग्राम में आज करीबन 300 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी में लोग ज्वाइन किया। चलिए आपको ले चलते और हाफलोंग टाउन रजी हॉल का जो ज्वाइनिंग प्रोग्राम का कुछ दृश्य आपको दिखाते हैं। तो फैबेंद्रो लंगथा सर जी का भी बहुत बहुत हाटेबल गोरलोसानी यावले और भारतीय जनता पार्टी यावले जानी भारतीय जनता पार्टी नखर जी निम्फा जाखा आनी हम सिंह मिस्टर हजार हजार मिस्टर ने हमजमा खास लादू को इले जिंग खबाई जाबा हाथा जिंग थानो फैनी दंगा चिगा दुआ आनी निम्फा आर बो निशिखे तीमा हासा खुशी जाखा जी देवल गोरलोसा काउंसिल टीम जिन भारतीय जनता पार्टी मजबूत जानकारी हासाओ जिन बिजली स्पीड जानदान स्पीड जानवानी बल रेखा हूं हिसाब जान क्रीप जंगो एरा भारतीय जनता पार्टी जिन एरा रिटायर चाहू बो आरोपी आम बो आशा खाजे और बो दिमा हासाओ रामा तुहा दिन जून जाए जा जून जाएगा नेक्स्ट फाइव हम लोग एडवांस माइथ हैप्पी न्यू ईयर जाम जिन बीजेपी पार्टी जॉन जा गिदिमा सी एम देवलाल गोरलोसा सर फैमा खा जिन गिदिमा प्रेसिडेंट मिगरावी गिदिमा एम बिका गुन समय जबा गुन बहा हाथारे मेला फैबा हम जो सिखा मैं स्क्रिप फैबा के
आपने देखा जो करीबन 300 से ऊपर लोग भारतीय जनता पार्टी में आज ज्वाइन किया है। चलिए आपको दिखा सुनाते हैं जो रिंगमिला हो जाए भारतीय जनता पार्टी में क्यों ज्वाइन किया और उनका क्या कहना है। बात ये है जो हम इतना साल बहुत साल से नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन एक एनजीओ डिमासा वुमेन सोसाइटी में काम करके आया, तो हम लोग जो डिमासा वुमेन सोसाइटी का एक इशू है वो है टू पर ए ऑटोनोमस स्टेट, साथ में जो महिला जो ग्रास रूट लेवल से हाई लेवल तक जितना भी महिलाओं है सबको हम लोग एडवांस करने के लिए हम लोग कोशिश करेगा।
और महिलाओं का जो प्रॉब्लम बहुत सारे प्रॉब्लम है वो भी प्रॉब्लम सॉल्व जितना तक सके हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए कोशिश करेगा। साथ में डिमाहासा वासियों को जितना भी सिर्फ डिमाहासा बोल के नहीं है, डिमाहासा नॉन डिमाहासा ट्राइबल नॉन ट्राइबल सभी को भलाई के लिए हम लोग काम करेंगे ये बोल के हम लोग इतना साल एनजीओ में काम किया एनजीओ में था और किया करके आया। तो अभी जस्ट आज के दिन में हम लोग जो बीजेपी एक पॉलिटिकल पार्टी में हम लोग ज्वाइन किया इसका रीजन ये है कि जो काम करने के लिए जो अच्छा एक कोई पॉलिटिक अच्छा काम करने के लिए सिर्फ नॉन पॉलिटिकल करके अच्छा काम कर सकेगा जो पॉलिटिकल में शामिल करके जो अच्छा काम कर नहीं सकेगा ये बात नहीं है। जो इसलिए हम लोग आज बीजेपी पार्टी में शामिल किया जो बीजेपी पार्टी को जो 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 काम करना जो रूल रेगुलेशन बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि इतना जो बीजेपी रूलिंग में आने के बाद बीजेपी सरकार डिमाहासा में होने के बाद डिमाहासा में जितना भी डेवलपमेंट किया मैं बोलो या ना बोलो मैं जो बोलेगा कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया तो वो सोशल मीडिया जो प्रैक्टिकल में सभी को देखने को मिलता है ना रियल में देखने को मिलता है तो मैं बोलेगा कि आज डेवलपमेंट का काम नहीं हुआ तो इसमें मेरा गलती होगा। इसलिए सभी जो काम करना डेवलपमेंट का काम करना जो लीडर्स सभी को अच्छा लग के इस पॉलिटिकल पार्टी में आया। साथ में ये भी है कि इतना साल डिमाहासा ऑटोनॉमस काउंसिल में कोई महिला रिप्रेजेंटेटिव नहीं था मगर जो बीजेपी सरकार आने के बाद जो रानू लंगटासा मैम वो एक महिला को और से काउंसिल के एक चेयरमैन जो पद में है। इसके बाद रिसेंटली जो नंदिता गोरलोसा मैम जो डिमाहासा ऑटोनॉमस हिल्स मिनिस्टर को पद में दिया है तो इसी के लिए बहुत बहुत हम लोग अच्छा लगा। तो महिलाओं रिप्रेजेंटेटिव इतना साल में कोई नहीं था तो बीजेपी सरकार आने के बाद रिप्रेजेंटेटिव महिला है इसलिए हम लोग महिलाओं के लिए और भी अच्छा काम कर पाएगा इसलिए हम लोग इसीलिए हम लोग इस पॉलिटिकल पार्टी में आया। आपने सुना रिंगमिला हो जाए जो DWS का जो प्रेसिडेंट है उन्होंने क्या कहा। चलिए आपको सुनाते भारतीय जनता पार्टी का प्रेसिडेंट डॉन पाइनन थाउसेंड जी का ये ज्वाइनिंग प्रोग्राम को लेकर क्या कहना है। आज साल का आखिरी दिन पे 31 दिसंबर का दिन में मतलब यहाँ बीजेपी डिमाहासा पर DWS जो संगठन है उसके कार्यकर्ता अंडर लीडरशिप ऑफ रिंगमिला होजाई जी उसको लीडरशिप में कुल मिलाकर 316 जन ज्वाइन हुए हैं पार्टी में और साथ में कुछ 15-20 ऐसे करके जो रिटायर्ड सर्विसमैन है जो एक्स सर्विस जो पहले अलग अलग डिपार्टमेंट से नौकरी किया हुए है कुछ वेटनरी कुछ अपना फॉरेस्ट डिपार्टमेंट जो अच्छा पोस्ट में पहले था तो उन लोग रिटायर होके अभी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी में इन्वॉल्व नहीं हुए तो उन लोग अभी मोदी जी का इंस्पिरेशन में या दिपलाल गोरलोसा जी का और हेमंत बिश्व शर्मा जी का इंस्पिरेशन उन लोग का जो गवर्नमेंट चलाने का जो तरीका है वो देख करके अच्छा लगा तो जिसके लिए आज में वो जो रिटायर्ड पर्सन है उन लोग भी आके पार्टी में ज्वाइन हुआ है और ये जो इसके साथ में हमको आशा है कि आने वाला जो आने वाला इलेक्शन है 2024 का पार्लियामेंट्री इलेक्शन है और साथ में काउंसिल इलेक्शन है तो पहले से जो जिस परसेंटेज में हम लोग जीत के आए थे उससे भी और भी अच्छा परसेंटेज लेकर के आने वाला समय में भी हम लोग यहाँ से डिमाहासा से जो बीजेपी के कैंडिडेट को जिता पाएंगे ऐसे आशा रखता है। अभी डिस्ट्रिक्ट में फिलहाल आप लोग को सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओपोनेंट कौन है अपोजिशन में कौन है आप अभी तृणमूल है कांग्रेस भी है कौन है इसमें स्ट्रॉन्गेस्ट बोलने में तो दोनों भी कमजोरी है। अभी जो ऑपोजिशन है ऑपोजिशन है तृणमूल है और INC है तो दोनों भी इतना
इतना ताकत है ऐसे तो नहीं लगता है। फिर भी जो पुराना मेरा हिसाब से फैक्टर नहीं होगा, फिर भी जो पुराना है, जो पहले से जो पार्टी है, पुराना पार्टी है, उस हिसाब से तृणमूल से ज्यादा ये INC का ही थोड़ा कुछ हो सकता है। तृणमूल में मेरा हिसाब से तृणमूल में ज्यादा मायने नहीं रखेंगे। इसी तरह डिमांसों को हर एक न्यूज को आप देखने के लिए देखते रहे बोराइन न्यूज़।